हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इतनी सारी सब्जियाँ दे क्या आप कुछ ना कुछ तो गेस कर रहे होंगे कि क्या बन रहा है। सो लेट मी टेल यू, आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं पाव भाजी और बिल्कुल सारी फ्रेश सब्जियां हैं। चूँकि अभी ठंडी का मौसम है, सर्दियों का मौसम की स्पेशलिटी है कि बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ आती है, तो इन सब्जियों को ला के आज हम पाव भाजी बनाने वाले हैं और सब कुछ रेडी हो गया है। और मैं बता दूँ, आज का ये जो किचन का है ये मैं नहीं बना रहा हूँ बल्कि मेरी वाइफ बनाने वाली हैं। तो बट फिर भी एटलीस्ट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, वो बनाएंगे, वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और ये टिया, आपको पता ही है टिया का जो अपना व्लॉग चैनल है वो टिया एंड सिया लाइफस्टाइल एंड सी सिया, सो इन दोनों का अपना व्लॉग चैनल है, दे आर डूइंग व्लॉगिंग फॉर देमसेल्फ। सो जल्दी ये लोग आपको हाय करो सबको, हाय जो जो गिनर। सो जल्दी आपको आपको दिखाएंगे ये वीडियो। और फ्लावर्स हो गए थे तो आज चलिए हम लोग घर पे बनाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। बैंगन है, गाजर है, मटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, हरा प्याज है, नॉर्मल प्याज है, टमाटर है, आलू है, हरी मिर्च है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ऑलरेडी हमने रेडी कर रखा है तो वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो आप वो भी आप कंसिडरेशन में रहना है। ऐसा नहीं कि जिंजर गार्लिक मैंने आपको नहीं दिखाया था, यहाँ पे नहीं है, तो जिंजर गार्लिक भी आप लेना। और साथ में हम कोरिएंडर लीफ रखा हुआ है हमने डेकोरेशन के लिए, बाद में हम उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए तो इतनी सारी चीज़ें, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूँ। बैंगन, हरा मटर, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी भी बोलते हैं, टमाटर, हरी मिर्च, पोटैटो, अनियन, तो ये सारी सब्जियां हैं। और चूँकि सर्दियों का मौसम की खासियत है कि बहुत सारी सब्जियां होती है और इसकी खासियत होती है पाव भाजी की, इसमें बहुत सारी सब्जियों का मिक्सचर होता है। तो चलिए मैं आगे की वीडियो जल्दी दिखाऊंगा जैसे हम आगे रेडी हो जाते हैं इसके लिए। थैंक यू। सो जैसा कि आपको बताया था, देखिए सारी सब्जियां काट ली है और आपको दिखेगा अंदर जितनी भी सब्जियां आपको दिखाई थी, देखिए सब कुछ काट लिया है, इसमें रख लिया है। और इधर प्याज टमाटर भी सब रेडी है और बस अब तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी ही है इन चीज़ों की करने की। तो आप बताते हैं आगे कैसे कैसे करना है हमको। सभी सब्जियों को धो लिया अच्छे से, धोना धो लेंगे। देखिए धो के आप छन्नी में इसको छान लीजिए सारी सब्जियां। क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में सब्जी लाते हैं गंदगी होती, तो बिना धोए आप खाना कैसे बनाएंगे। सो अब देखिए सारी सब्जियों को, चूँकि पहले सबसे पहले प्रोसेस में इसको आपको बॉईल करना है कटिंग करने के बाद, तो हमने इस सारी सब्जियों को जो भी हमने धोया है और धोने के बाद हम इसको अभी बॉईल करेंगे। सो पाव भाजी के लिए जितनी भी सब्जियां होती हैं पहले हम उसको बॉयल करते हैं, मसाला उसका बाद में बनाते हैं, उनको बॉयल होना ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस में देखिए हमने जितनी भी सब्जियां थी सबको अच्छे से काट के धो के एक कुकर में रखा है। अब थोड़ा सा पानी और सिर्फ इसमें आपको पानी डालना है और नमक डालना है, पानी और नमक डाल के हम इसको बॉयल करेंगे और बिल्कुल बॉयल करेंगे एकदम, बिल्कुल ऐसा कि वो बिल्कुल मसाले जैसा हो जाए, बिल्कुल मैश हो सके, क्योंकि आपको पता है पाव भाजी की सब्ज़ी होती है वो मैश करके बनती है। अब इसमें हम लोग पानी और थोड़ा नमक डाल के, पानी आप एक गिलास जितना डालिए, चूँकि एक कुकर है एक गिलास या डेढ़ गिलास आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको पानी बहुत नहीं चाहिए तो पानी लिमिटेड में ही डालना है। साथ ही नमक इसमें डाल दीजिए चूँकि इसको गलने में मदद होगा, चूँकि क्वान्टिटी मेरे पास ज़्यादा है तो मैंने दो गिलास पानी डाला इसके अंदर। और अब नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसको गैस ऑन कर देंगे और इसको 5-6 सीटी अच्छे से मारने देंगे ताकि ये पूरी तरह बॉयल हो जाए। जी
जैसे कि आपको पता है कि सब्जी हमने बॉईल करने के लिए चढ़ाया था, और अब इसको इसका तड़का लगाएंगे बेसिकली, जो बॉइल्ड वेजिटेबल है उसका। बट उसके लिए जो चीज़ें तैयार की है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारे पास ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, चिली का पेस्ट है, अनियन है और टोमेटो है, और इसका प्यूरी जो आधा टमाटर उसका हम प्यूरी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, और साथ में मसाले सारे, मसाले में मैं आपको बता दूँ एक एक करके, जब डालूँगा तो मैं मसालों को भी आपको बताऊँगा क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्याज डालते हैं हम इसके अंदर, ये गिन्नी का पढ़ाई चल रहा है, सो गिन्नी स्टार्टिंग, गिन्नी ओके, टी आई स्टार्टिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। सो धीमी आंच पे आपको एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप प्याज डाला इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे पकने दीजिए, बिल्कुल हल्के सॉटे करना एक तरह से आप समझिए, आप बोल सकते हैं इसको। और जो टमाटर मैंने दिखाया था उसको मिक्सी में पीस कर हम उसकी थोड़ी प्यूरी बना लेंगे, जो कि हमको काम आएगा। अब हम डालेंगे गार्लिक का पेस्ट थोड़ा, देखिए आपको ज़्यादा डालना है गार्लिक का, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो पाव भाजी में जो स्वाद होता है वो जिंजर गार्लिक के पेस्ट का सबसे ज़्यादा होता है। तो आप कम से कम 3 से 7 चम्मच के बाद, अगर पूरा अच्छा गार्लिक की बात करें तो 3 आपको गार्लिक लगेंगे इसके लिए। और आप 25-50 ग्राम जितना आप अदरक ले सकते हैं। तो इसको डालना है मीडियम आंच पे, आपको इसको चलाते रहना है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी देर तक, आप 2-5 मिनट तक हल्के हल्के धीरे धीरे इसको भूनने दीजिए। और अब आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इसमें जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी वो देखिए प्यूरी डाल दिया है बेसिकली। तो सारे मसालों के साथ अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आपको बहुत ना, क्योंकि कश्मीरी मिर्च डालने से क्या होता है, जो ऑयल होता है उसके अंदर आपको वो तैरता हुआ दिखता है, थोड़ी कलर आता है उससे। देखिए ये हमने डाला लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर। तो आप देखिए सारे मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, और मैंने एक पाव भाजी मसाला का अलग से पाउच लेके आया हूँ वो डालेंगे इसके अंदर। और साथ में ये देखिए पाव भाजी मसाला। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये मसाला जो है तेल छोड़ रहा है, उनको इंतज़ार करना है इसके तेल छोड़ते रहने का। धीरे धीरे मध्यम आँच पे आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए थोड़ी देर तक। और अभी जो हमने सब्जियां बॉईल की है अब हम उसको निकालेंगे। सो अब ये देखिए हमारा बॉइल्ड वेजिटेबल जो है वो रेडी है, और अब इसको मैश करेंगे। तो मेरे पास मैश करने के लिए है ऑलरेडी, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है बिल्कुल। आपको इसे प्यूरी की तरह बना देना है बिल्कुल। बस ये आप देखिए रेडी हो रहा है, देखिए। तो ये हमने पूरा मैश कर लिया है, और मैश करने के बाद आपको पता है थोड़ा सा सॉल्ट हमने इसमें डाला था, लेकिन बाद में अभी हम जब ये जो मसाला इधर चढ़ा हुआ है ये एक बार रेडी हो जाए तो उसके बाद हम स्वादानुसार नमक को और डालेंगे बाद में। तो देखिए आप इसको जितना मैश कर सकते हैं आप उतना मैश कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको मैश करना चाहते हैं। बट इसको पूरा मैश करना मतलब पाव भाजी का मतलब आपको सब्जी को पूरी तरह से मैश करना होता है। ये देखिए मसाले ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं कैसे ये तेल छोड़ रहा है, और इसकी भीनी भीनी खुशबू भी आने, मसाले की जो खुशबू होती है पाव भाजी की वो खुशबू भी आने लगी है। और मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है, तो पता नहीं अभी कैसे रजिस्ट करूँगा, अभी 10 मिनट तो कम से कम और लगेंगे इसको बनने में।
बट ये बेस्ट है कि चूँकि सर्दियों में सब्जियाँ बहुत मिलती है। अब चलिए जो हमारा बॉइल्ड सब्जी जो हमने मिक्स किया था वो हम इसमें मिक्स करते हैं। और मिक्स करके देखिए ये हमने मिक्स कर दिया और हम इसको पकने देते हैं। और मैं आपको बता दूँ इसका स्वाद जो है बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद, और मैं आपको बता दूँ आपको स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे और आप ऐसे करेंगे। और जाहिर सी बात है पहले भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आए और आगे भी आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके जो भी फीडबैक है आप कमेंट में ज़रूर लिखना, एक बार आप बना के देखना फिर आप हमें बताना कि आपको कैसा लगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए सारा मसाला जो है वो सब्जी मिल गया, हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। पकने देने का बेसिकली मतलब है कि मसाले के साथ जो सब्जी है बॉइल्ड वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इसको हम ढकेंगे तो क्या होगा, जो जो एसेंस है मसाले का वो इसके अंदर आ जाएगा। और अब हम थोड़ा सा नमक जो है स्वादानुसार डाल देंगे कि आपको जिस हिसाब से है स्वाद के हिसाब से आप नमक डालिए। तो अब सब कुछ मिक्स हो कर दिया हमने, और आपको ध्यान है अब आपको पानी डालने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत चिपक रहा है तो आप डाल सकते हैं, बट मेरा सलाह ये है कि आप इसमें पानी और ना डालें, उसको धीरे धीरे पकने दे दो, क्योंकि जो मसाला और जो सब्जियां बॉयल है वो दोनों के साथ मिक्स हो जाएंगी और फिर उसका जो स्वाद आएगा लाजवाब स्वाद आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ब्रेड के साथ खाइए, हमारा प्लान तो भाई ब्रेड के साथ खाने का है। तो बस अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा बनी हुई पाव। पाव एक्चुअली भाजी, बट पाव के साथ करना नाम है पाव भाजी। सो देखिए हमारी पाव भाजी जो है अब रेडी है, हमारा पाव भाजी जो है वो रेडी है। सो रेडी टू सर्व एंड रेडी टू ईट। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसमें अच्छे से इसको गरम मसाला है, आप गरम मसाले जैसे इसमें पाव भाजी मसाला वही आप यूज़ करते हैं, उसकी की खुशबू जो है वो बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी उससे। आप देखेंगे मनी जब होटलों में जाते हैं तो जब बनाते हैं तो लास्ट में ये मसाला गरम मसाला या पाव भाजी मसाला ऊपर से डालते हैं ताकि उसमें एसेंस आ जाए, खुशबू आ जाए। और साथ में हम धनिया पत्ता से अच्छे से गार्निशिंग करेंगे एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा बना वो भी बताइएगा मुझे, और आई एम श्योर यू विल लाइक इट, और आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। ध्यान रखिए धनिया पत्ता डालना ज़रूर भूलिएगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। सो चलिए अब गार्निश करते हैं इसको। सो इट इज़ रेडी, देखिए धनिया पत्ते की मस्त गार्निशिंग कर रहा है। आ जाओ बच्चा पार्टी को बहुत तेज़ भूख लग गई है एंड शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड कि मम्मा ने क्या बनाया है। तो होप हम दोनों का ये रेसिपी आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे। चलिए हियर वी आर रेडी, और ये भाजी रेडी है, और ये पाव, एंड वी आर रेडी टू ईट। We are ready to eat, 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 eat. कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा। मस्त है ना? हाँ। और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत मज़ेदार। आपको मैं बता दूँ